हाय गाइस, वेलकम टू ऑल मोबाइल सॉल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। दोस्तों, आईफोन 13 का ग्रीन कलर का ये डैमेज है, इसको रिप्लेसमेंट करूँगा। मतलब ये XR का है, आईफोन XR 13 प्रो में रिप्लेस करेगी। ऑलरेडी चेंज की है कस्टमर ने, तो ये जो बॉडी हाउसिंग है डुप्लीकेट है, इस वजह से प्लास्टिक का और मेटल का नहीं रहता है। तो मैं ओरिजिनल बॉडी रिप्लेसमेंट करके आपको बताता हूँ। वाटर रेजिस्टेंस सील, बैटरी और बटन फ्लैश लाइट दोनों बॉडी में आप देखेंगे तो कितना फ़र्क है। ये मेटल का है और ये सादी बॉडी प्लास्टिक के जैसी आती है, तो इसके अंदर डिफरेंट रहता है। तो ऑलरेडी वीडियो लंबा बन जाएगा दोस्तों, तो वो जो पार्ट्स होता है इस पर निकाल के मैं डाल चुका हूँ, और जो पार्ट मिसिंग था वो भी ऐड कर चुका हूँ इसके अंदर। आप देखेंगे इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, दोनों में डिफरेंट है। तो ग्रीन से स्पेस ग्रे जो रहता है ग्रे कलर का 13 प्रो, उसको रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मदरबोर्ड बिठाना रहेगा और जो स्टेप रहती है प्रॉपर आपको बिठाना रहेगा। ये बैठ चुका है दोस्तों फाइनली, स्क्रू भी फिट हो गया, जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। और इसके अंदर दोस्तों जो रिप्लेसमेंट की है डुप्लीकेट बॉडी, इसके अंदर है ना दो तीन प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, जो वो बना नहीं सकते क्योंकि मदरबोर्ड से डिफेक्ट है। और वो बन भी जाएगा तो दोस्तों कैसा, कस्टमर का बजट के हिसाब से उनको हाउसिंग ही रिप्लेसमेंट करना है क्योंकि रिपेयर नहीं करना था। तो ये पार्ट जो रहते सब रिप्लेसमेंट हुआ है इसके अंदर, जैसा फेस आईडी वर्क नहीं हो रहा है और सेल्फी कैमरा नहीं चल रहा, और डिस्प्ले भी रिप्लेसमेंट हुआ, तो टू टोन्स भी नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली उनको बॉडी रिप्लेसमेंट खाली करके चाहिए। तो बेसिक कैसा रिप्लेस होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बैटरी का कनेक्टर बैठने के बाद वाटर रेजिस्टेंस सील आपको बैठाना, और फिर डायरेक्ट आपको डिस्प्ले बैठाना रहेगा दोस्तों। डिस्प्ले आप ऊपर से टॉप से बैठाना, आपको पहला जो स्टेप होता है सेंसर का, कॉलिंग सेंसर स्पीकर, वो बैठाने के बाद डिस्प्ले और टच का दोनों बैठाना रहेगा। ये बैठ गया, और ये जो ग्रिप भी नहीं थी इसके अंदर, मिसिंग था ये सब जो मेटल का होता, ये भी मैं बिठा चुका हूँ। इससे सेफ्टी रहती ना दोस्तों, गिरेगा फोन तो कुछ इश्यू नहीं आता। ऊपर से आपको ध्यान देके प्रेस करके धीरे धीरे आपको नीचे तक जाना है, लेफ्ट और राइट की तरफ प्रेस करना है, और डिस्प्ले की स्ट्रिप अंदर आपको डाल लेना है। ये होने के बाद नीचे बॉटम पे डबल स्क्रू रहता है, वो भी आपको फिट कर लेना है। ये होने के बाद दोस्तों मैं आगे आपको फंक्शन भी ऑन करके दिखा देता हूँ। आप देखिएगा ओरिजिनल स्टील की बॉडी है, आपको भी कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करना है आईफोन 13 प्रो का, ये बॉडी और वो बॉडी में बहुत फर्क रहता सर। और वो हल्की बॉडी भी रहती है, ये कैसे हैवी बॉडी भी रहती है, एक फील आएगा आपको 13 प्रो के जैसा। ब्राइटनेस कम ज़्यादा सब कुछ होएगा दोस्तों इसके अंदर, जो जो फंक्शन इसके अंदर चालू वो आपको करके मैं आपको दिखा देता। और आपका फ़ोन रिपेयर करना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस नंबर दिया हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। सब वर्किंग हो रहा है इसके अंदर, और जो जो छोटा मेजर प्रॉब्लम था वो भी फिक्स कर चुका हूँ दोस्तों। वॉल्यूम बटन अप डाउन सब चल रहा है, नेटवर्क भी आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।